बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका शिशु के दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी विभाग में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं के साथ केक काटकर सामूहिक बेटी जन्म उत्सव मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नवजात जन्मी बेटियों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपहार भेंट किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जिला महिला चिकित्सालय में मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार का है, उसको बढ़ावा देने और समाज में एक संदेश देने के लिए है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, डॉक्टर दिनेश सोनकर, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर सुमन शुक्ला, समाज सेवी उषा दास, जिला महिला चिकित्सालय के डॉक्टर और स्टाफ सहित प्रसूताओं के परिवारजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने कहा, तो मैं चाहूंगा आप रोग बाबू कौन बच्चा है? एक बच्चा ही। ले लीजिए, तुम ले लीजिए। आप सभी लोग प्लीज बैठ जाइए, परेशान मत होइए। ये आज राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है, उसी को मनाया जा रहा है ये महिला चिकित्सालय में। तो इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसको बढ़ावा देने के लिए और समाज में एक संदेश देने के लिए कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, उसी संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक आयोजन किया गया है। इसमें हमने सेलिब्रेट किया है केक काटकर, और जो अभी जो बच्चियां पैदा हुई हैं उन बच्चियों को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, लगभग 35 बच्चियों को, और उसके साथ साथ उनको जॉनसन बेबी की किट दी गई ताकि अगर बच्चों के पालन में कोई दिक्कत है तो उसको प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।